नमस्कार दोस्तों, अगर आप ब्लॉगर हैं और आपने अभी एक अपना नया ब्लॉग स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग पर यूएसए, यूके और कनाडा और जैसी बड़ी कंट्रियों से ट्रैफिक लेके आएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कौन से स्टेप को फॉलो करना है और ये सभी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर आप अपने ब्लॉग पर यूएसए और यूके से एक ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो जो जरूरी स्टेप होते हैं, जिन तरीकों से आपको काम करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को 1 मिनट भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी जानकारी समझने में दिक्कत आएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग वीडियो लाता रहता हूँ। इसमें मैं आपको ऑनलाइन में मतलब यूएसए से ट्रैफिक लाना, एडसेंस अप्रूवल और एडसेंस अर्निंग इम्प्रूव के बारे में सारी जानकारी शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, अगर अब मैं आपको बताऊं कि आप यूएसए यूके से ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शुरू में सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको एक .com का डोमेन लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का इंटरफेस दिखा रहा हूँ, देखिए इस वेबसाइट में .com डोमेन है, क्योंकि अगर आप .in का डोमेन लेते हैं तो आपकी वेबसाइट सिर्फ इंडिया में ही रैंक करेगी, क्योंकि .in का डोमेन सिर्फ इंडिया का ही है। अगर आप .com का डोमेन लेते हैं तो आपकी वेबसाइट इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सभी बड़ी कंट्रियों में रैंक करेंगे और आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अब ये सोच रहे हो कि हम .com का डोमेन ले लेंगे, बट सीधा हमारी वेबसाइट सीधा यूके और यूएसए में ट्रेंड कैसे करेगी, इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल किस तरीके से लिखना है और आर्टिकल लिखने के लिए आपको कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। ये सभी जानकारी मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप जितना अच्छा आर्टिकल लिखेंगे इंग्लिश में, उतना ज्यादा आपको अच्छा ट्रैफिक मिलेगा और जितना ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में हाई क्वालिटी वाले आर्टिकल लिखते हैं तो आपको ट्रैफिक 100% यूके, यूएसए और कनाडा जैसी बड़ी कंट्रियों से ही मिलेगा। दोस्तों, अभी आप सोच रहे हो कि हम यूएसए, यूके के लिए ट्रैफिक मतलब जो कीवर्ड है उन्हें कैसे निकालें, तो मैं आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करता हूँ, जैसे गूगल ट्रेंड, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल ट्रेंड को टाइप किया तो आपके सामने गूगल ट्रेंड का इंटरफेस खुल के आ गया है। तो हम पहली वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये गूगल वेबसाइट का जो ये गूगल का जो फर्स्ट स्टार्ट फर्स्ट ओवर इंटरफेस है, ये खुल के आपके सामने आ गया है। अभी अपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 डॉट पे अपने क्लिक करते हैं तो ट्रेंडिंग सर्च में जाएंगे। जैसे ही ट्रेंडिंग सर्च पे अपने क्लिक करते हैं तो ये आपको फर्स्ट ओवर स्टार्टिंग में आपको इंडिया सेलेक्ट किया दिखाई देगा, क्योंकि अपने इंडिया से हैं तो स्टार्टिंग में आपको इंडिया ही दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से आप जैसे ही अपने पसंद की कोई भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड स्टेट। जैसे ही मैं यूनाइटेड स्टेट सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे जो कीवर्ड है देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो आप यहाँ से मतलब ये जो भी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है इन पे आप काम करके लेटेस्ट मतलब डेली के 2-3 आर्टिकल डाल के अच्छा खासा ट्रैफिक यूएसए, यूके से ला सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं भी आपके जो वेबसाइट का नीच है वो माइक्रो नीच है या एक मल्टी नीच है, तो आप दूसरे तरीके से किस तरीके से मतलब कौन कौन से जो आप अपने निश के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको अभी सीधा ले चलता हूँ एक्सप्लोर में। या तो आप सीधे सर्च बार एक्सप्लोर में टॉपिक करके सर्च डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सप्लोर में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक्सप्लोर में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको डालता हूँ मेक मनी। जैसे ही मैं मेक मनी को डाल के सर्च करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब मैं कंट्री सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से मैं कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्री में मैं लिख लेता हूँ यूएसए। जैसे ही मैं यूएसए लिखता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे आ गए बहुत सारी कंट्रीज, यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट को कर लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे अपने को दिखा रहा है पास्ट 12 मतलब 12 मंथ का डाटा, तो अभी यहाँ पे पास्ट डेज का देखते हैं, पास्ट 7 डेज का देखते हैं। मैं यहाँ पे पास्ट 30 डेज का डाटा पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ से कैटेगरी है, तो कैटेगरी अपने पास जो अभी आपने मेक मनी के टॉपिक को सर्च किया, उसके बाद अपने इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे ये टॉपिक देखने को मिलेगा, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम एडवेल और मेक मनी फ्रॉम ए एडवेल, हाउ डिड बेन ब्रिजियन मेक हिज मनी, हाउ डज अपसाइड मेक मनी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके के कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे, आप इन सभी कीवर्ड में से काम करके ट्रैफिक ला सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं अगर दूसरे टॉपिक पे बात आऊं तो जैसे आपका अगला टॉपिक, जैसे यहाँ पे अभी हम अपने मेक मनी सर्च किया तो अभी यहाँ पे आप सर्च करते हैं मूवी। जैसे ही आप मूवी सर्च करेंगे तो आपको मूवी से रिलेटेड जो भी डाटा होगा यूनाइटेड स्टेट का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको मूवी से रिलेटेड डाटा है जो
देखने को मिल गया। ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि इस मूवी जो ये मूवी है इस पे आपको +4.400 मतलब परसेंट मतलब 4400% का आपको मतलब रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपको अच्छा खासा मतलब ट्रैफिक मिलेगा यूएसए से। इसके अलावा आप यहाँ से अपनी पसंद की कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूएसए की है तो आप यूनाइटेड स्टेट किंगडम जैसे जो भी आपके पसंद की जो भी कंट्रीज आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं तो आपको एक एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जर्मनी यूएसए यूके जो भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम कर लिया यहाँ पे मैंने मूवीज में, तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे जो ये देखिए कीवर्ड यहाँ पे चेंज हो गए, यहाँ पे ये मतलब ब्रेकआउट दिखा रहा है क्योंकि अभी इन कीवर्ड पे कोई भी ट्रैफिक यहाँ पे ये नहीं दे रहा है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा कीवर्ड डालते हैं, जैसे आपने मेक मनी डाल लिया, हाउ, अभी यहाँ पे मूवीज डाल लिया, अभी आपने डाल लेते हैं हाउ टू, ठीक है। अगर आपने जैसे यहाँ पे हाउ टू डालते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि नीचे आपको उस हाउ टू के टॉपिक देखने को मिलेगी, हाउ टू राइट एन आर्टिकल, ठीक है। इसमें 60-80% का ग्रो अभी मतलब बढ़ा है, मतलब अभी पिछले 30 दिनों में। हाउ टू मेक इस मतलब आई सेड ऑफिस, हाउ टू मेक पेपर्स, हाउ टू मेक इन्फ्लुएंजर कॉर्डियल, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ से एक्सप्लोर में आप जाके अपने जो निश से रिगार्डिंग है जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे FINANCE जैसे फाइनेंस का मैं यहाँ पे जैसे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से फाइनेंस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फाइनेंस रिलेटेड डाटा है जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे आप सर्च करना चाहें तो लोन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लोन का जो भी देखिए ये देखिए ये इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब स्कीम आ गया, ये ब्लॉक्ड है, ये निल्स लोन आ गया, माई फाइनेंस क्लब आ गया, मतलब इंटरेस्ट फ्री मतलब लोन आ गया, ये जो भी आप अपने निश के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप पर्टिकुलर कीवर्ड को कॉपी करके, जैसे ये हाउ मतलब माई फाइनेंस हब है, मतलब इसको आप मतलब लोन है, इसको कॉपी करके आप इसके साथ कंप्रेस भी कर सकते हैं कि दोनों में से किस कीवर्ड पे ज्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ आप मतलब अपने जो भी पसंद का डाटा निकालना चाहते हैं, ऐसे कीवर्ड प्लेसमेंट करना चाहते हैं, कीवर्ड प्लेसमेंट करके कीवर्ड पे उस पर पर्टिकुलर अच्छा और हाई क्वालिटी वाला आर्टिकल लेके यूएसए में रैंक करवा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका आर्टिकल यूएसए में रैंक होगा आपको उतना ज्यादा और उतना अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा आप तो और उससे आपको सीपीसी भी अच्छी मिलेगी और आपकी अर्निंग अच्छी होगी। दोस्तों वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।